जिले बडगाम के मागाम में मागाम पुलिस ने मंशियात के बढ़ते रुझान के खिलाफ और इस लत से बचने की गर्ज से रैली निकाली। ये रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम से शुरू हुई और मागाम मेन मार्केट से होते हुए वापस हायर सेकेंडरी में इख्तिताम पजीर हुई, जहां बाद में एक तकरीब मुनाकिद हुई। रैली की क्यादत SDPO मागाम डॉक्टर सलीम अहमद ने की। उनके हमरा SHO मागाम यासिर अहमद भी थे। इस रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के 1000 के करीब तालिबे इल्मों ने शिरकत की। इस रैली में पुलिस के एहलकार, ट्रेड यूनियन मागाम और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी शिरकत की। बच्चे और लोग अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे, जिन पर मंशियात से बचने और दूर रहने के फिक्रे तहरीर थे। रैली का मकसद लोगों और खासकर नौजवानों को मंशियात से दूर रहने और इससे होने वाले नुकसान से आगाह कराना था। मुनाकिदा तकरीब में SDPO मागाम के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात ने तकारीर किए, जिन्होंने बच्चों को मंशियात की इस लत से दूर रहने पर जोर दिया। सर, ये जो रैली गई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम की तरफ से ड्रग्स के अगेंस्ट, चूँकि हम सब जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर जो है ड्रग एब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन जो है दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि 2019 का एक सर्वे है जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने किया, उसमें यह देखा गया कि यहाँ जो है तकरीबन 6 लाख से ज़ायद अफराद यहाँ जो है मंशियात के आदि है। तो इसी रिलेटेड ये जो रैली है ये भी इसी रिलेटेड थी कि था, तो इसका यही मकसद है कि नौजवानों को हम इस चीज़ से आगाह करें, नौजवानों को हम इस चीज़ से बाखबर करें कि ये जो ड्रग्स है, ये जो ड्रग एडिक्शन और ड्रग एब्यूज़ है, ये जो दिन ब दिन यहाँ पर जो बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर में, इसके कितने नुकसान आते हैं, इसके बेहद नुकसान आते हैं। आपके सेहत और आपके अखलाक पे जो है दोनों पे कोई मुज़िर असरात ना पड़े। ये बंद करने के लिए ये पोस्टर्स लगाए हैं। आज हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा ड्रग के लिए अहमियत दी जाती है। चरस, गांजा वगैरह, शराब, सारे ड्रग यहाँ किए जाते हैं। चरस, गांजा पे इस पर हम फतवा लगाते हैं, ये बंद होना चाहिए। हम अपने भाइयों को, सभी भाइयों को, आज हमारी बहनें भी करती है ड्रग्स, ना कि हमारे सिर्फ भाई ये ड्रग करे, हमारी बहनें भी ड्रग करी है। आज आप जाइए देखिए, गांव गांव में ड्रग हो रहा है। हमारे कश्मीर, हमारा कश्मीर बर्बाद हो गया ड्रग की।